तो ये था मेरा ससुराल का घर जो यहाँ पर कोई नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो ये सारा कुछ चमक रहा था, पेंट से कलर से सब कुछ चमक रहा था, लेकिन अभी बदसूरत हो गया है। हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं, और हम बारिश में ही मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। इसे बोलते हैं कंटेंट। मज़ा आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये देखिए अभी जो ये रास्ता है, ये हमारे ससुराल के रास्ते में है। जब यहाँ से हम कुछ दूरी पर हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर के दूरी से हम पहुँच जाएंगे। अभी देखो, अभी तक तो मैं आपको रास्ता ही घुमा रहा हूँ, क्योंकि बारिश के मज़े दिखा रहा हूँ आपको, बारिश के मज़े। भाई सऊदी में तो आप लोग देखते ही हो, बारिश होता है कैसे होता है, पूरा गाड़ी गंदा कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हो भाई, हरा भरा है, इतना मज़ा आ रहा है। तो खेत खेत दिखा, देखो खेत देखो आप, उधर खेत, उधर पूरे हरे भरे खेत। वेलकम टू माई चैनल जावेद व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप लोग, ठीक हो? शाम का ये टाइम है और मैं अभी घूम रहा हूँ रेलवे स्टेशन के पास में, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने ससुराल ही जा रहा हूँ। तो आज थोड़ा आपको जो मेरा ससुराल है वो घुमाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको घुमाया नहीं था। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब गई है क्योंकि मैंने ठंडा ज़्यादा पी लिया है और यहाँ पर बारिश में बहुत नहा लिया है इस वजह से। ठीक है, तो पीछे कुछ इस तरीके से आप नज़ारा आपने देखा, सिनेमैटिक्स, वो मेरी रही, वो रही मेरी बाइक, मास्क हाथ में ही। तो आगे की वीडियो आपको मिलते हैं गांव में सीधा। ठीक है, जो गांव है, जो मेरा ससुराल पड़ता है, वहां लेके चलते हैं आपको। चलिए, आज का जो व्लॉग है पूरी हरियाली हरियाली वाली ही रहने वाली है। ठीक है, तो चलो थोड़ा चलते चलते बनाते हैं वीडियो, धीरे धीरे हल्की स्पीड में, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हरे भरे ये कुछ पता नहीं तालाब वगैरह है पानी के लिए, तो इसके लिए ऐसा है। बाकी देखो उधर बारिश के लिए बड़ा जबरदस्त बादल लगा हुआ है, और पीछे ये गाय देखो। ठीक है, गांव की यादें ताज़ा हो जाती है, आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, तो है ना, मज़ा आता है ना, है ना। ये गांव है, गांव मतलब अंदर का रास्ता है, ये कुछ है। ठीक है, जो यहाँ के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि इस एरिया का नाम क्या है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम पे बंदा GoPro लेंगे, हेलमेट लेंगे, बाइक लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो फिर वीडियो बनेगा ब्लॉगिंग वाला। ठीक है, फिर मोटो ब्लॉगिंग होगा अच्छे से, तो आप लोगों को ये मज़ा आएगा देखने में। फ़िलहाल तो ही मैं आईफोन 11 से ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ब्लॉग में नया दिखा सकूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आप लोग, है ना। अच्छा लग रहा तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी देखो रस्ते पर चल रही है, इतने पे ही गाड़ी चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके बाद में वीडियो फास्ट कर दूंगा। बारिश शुरू हो गई है और पहनना पड़ेगा रेनकोट, तो मैंने ऑलरेडी पहले नीचे पैंट पहन लिया है, तो बारिश तेज ना हो जाए तो हमारा कपड़ा गीला हो जाएगा। रेनकोट मैंने पहले ले लिया था ताकि मुझे बाद में कहीं पर रुकना ना पड़े। ठीक है, चलो इसको पहनते। तो कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं,
बारिश में पूरा कपड़ा पहन करके बैग भी कवर कर दे रहा हूँ। तो आगे हो रही है बारिश, अब रास्ते में ये मोबाइल तो वाटर प्रूफ है। तो रास्ते में बारिश हो गई और आप देख सकते हो पूरा रोड गीला हो चुका है। यही है बारिश, आप देख सकते हैं, और हम बारिश में ही मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। इसे बोलते हैं कंटेंट। मज़ा आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये देखिए अभी जो ये रास्ता है, ये हमारे ससुराल के रास्ते में है। जब यहाँ से हम कुछ दूरी पर हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर के दूरी पर, देखा उधर हरे भरे। आपको दिखा रहा हूँ घर, देख लीजिए, ये देखिए बाहर से, ये मेरा ससुराल है। ठीक है, कोई नहीं रहता यहाँ पर, कोई भी नहीं रहता यहाँ पर, ये पूरा घर खाली है। अभी हम लोग जाएंगे, इसका ताला खोलेंगे, इसके अंदर बैठेंगे। 2 घंटे के बाद मैं वीडियो फिर से रीशूट कर रहा हूँ। बारिश में आया था, बाहर गाड़ी खड़ा कर दिया, देखो गाड़ी बाहर लगी है। ठीक है, ये रही गाड़ी मेरी, और बारिश में ये माहौल है। तो कुछ हमारा ससुराल यहाँ से ऐसा दिखता है। ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे लोग 7 साल 8 साल से बहुत एक दो बार कोई आता है फिर चला जाता है। सबसे अच्छा चीज़ देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कितना अच्छा फ्लावर का, पूरा आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लावर का पेड़ है। इधर भी पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, इधर सरकार ने टंकी लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये टंकी एक इधर है, एक टंकी अंदर है। ये बाहर से आपको कुछ ऐसा, ये मेरा बैग भीग गया था तो मैंने सूखने के लिए रख दिया है। ठीक है, ये पूरा बना हुआ है। इधर भी एक रूम बना हुआ है यहाँ पे रहने के लिए अंदर, मेरे पास इसका चाबी नहीं है। और ये ऐसा पूरा, मेरी सास ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग यहाँ रहते ही नहीं है। ये ऐसे भी एंट्री करेंगे तो यहाँ से देखो बहुत दूर तक हॉल देख रहे हो, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा। ठीक है, इसके बाद ये एक आप इधर रहोगे तो ये ऐसे बैठने का ही मेरा सामान है यहाँ पर। एक रूम यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा रूम है, मैं लाइट जलाता हूँ। ये देखो बहुत बड़ा रूम है ये, जो हमारे यहाँ होता है छोटा सा होता है लेकिन यहाँ पे ये रूम बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो रूम पूरा आप देख सकते हो, बहुत बड़ा रूम है। इसके साथ ये भी एक बड़ा रूम है। तो ऐसा है, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे कि मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी वजह भी बताऊँगा आपको। सबसे अच्छा चीज़ देखो, इस खिड़की के सामने का जो बाहर का हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा, क्योंकि सामने में आप देख सकते हो खेत है, पेड़ है, ये सारा ज़मीन सामने देख रहे हो, मैंने वीडियो में दिखाया था, सब अपना ही है, वो वहाँ पर भी आपको लेके जाऊँगा। तो अभी देखो दिल्ली की फ़्लाइट जो है ऊपर ही घूम रहा है, शायद आवाज़ आ रहा मेरे को। ठीक है, ये देखो फ्लाइट दिल्ली की फ़्लाइट, ये देखो ये स्पाइस जेट है क्योंकि एयरपोर्ट यहीं पर पड़ता है नज़दीक। ये आप देख रहे हो, ये ऐसा पूरा घर है। ठीक है, पूरा बना हुआ है, मेरी सास ने बहुत सारा पैसा लगा दिया यहाँ पे लेकिन रहती तो है नहीं। ये बाहर से ऐसा कोई, ये सब ऐसा क्यों है देख रहे हो लाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं, ये सब जो प्लास्टर किया वो क्रैक हो गया है। इसके बाद ये आपको देख रहे हॉल टाइप से रहता है, इधर भी आपको पूरा है। ठीक है, इधर से भी आप देखो, ये सीढ़ी ऊपर जाने का, अभी ऊपर भी लेके जाऊँगा आपको। इधर पूरा देखो, इन्होंने एक किचन बनाया हुआ है लकड़ियाँ पकाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर पूरा गैस वगैरह का ये किचन है, ये अच्छा है। इधर बाथरूम है, इधर भी आपको नहाने का है, चापाकल है, और ये रहा मोटर, यहाँ पर भी एक टंकी है, और बाकी हरे भरे पेड़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एरिया है बिजली गांव में है, कब्रिस्तान के साथ में, तो मैं आपको वीडियो में इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि ब्लॉग भी बन जाएगा। तो बेसिकली भाई मेरा ससुराल ऐसा ही है, कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ी पर देख रहे हो क्या हालत है, ये देखो, ये साथ में कब्रिस्तान पड़ता है, ये कब्रिस्तान है, ये वो रोड से आएंगे तो यहाँ पर ये छत पूरा आप देख सकते हो, इतना ज़मीन में इन्होंने घर बनाया है जबकि उनको घर पीछे से बनाना चाहिए था। तो ये तो आपने देख लिया पूरा राउंड ओवर पीछे का, अब ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये देखो वो आप देख रहे हो ज़मीन हमारी वहाँ तक है, ये देख रहे हो ये वहाँ तक ज़मीन है, पूरा जो घेरा हुआ है पूरा वहाँ तक है। ठीक है,
तो ये सब पूरा पेड़ वगैरह। तो ये है हमारा ससुराल और हम घूम रहे हैं यहाँ पर अकेले, जो यहाँ पर कोई नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो ये सारा कुछ चमक रहा था, पेंट से कलर से सब कुछ चमक रहा था, लेकिन अभी बदसूरत हो गया है। क्योंकि हर बार इन लोगों का प्लान बनता है, मेरे ससुराल का, सास का, ससुर का, कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन उनको मैंने एक ही बार भेजा था यहाँ पे, 4 साल हो गए अब तक, 4 साल में अब तक एक बार भी वो लोग नहीं आए यहाँ पे रहने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? आपके भी घर की याद आ गई होगी, क्योंकि आपके भी घर ऐसे ही होंगे गाँव में। ठीक है, शहर में तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन गाँव में तो घर ऐसे ही होता है। देखो मैं कैसे घूम रहा हूँ। अब हमारे कुछ फैमिली वाले भी देख रहे होंगे, तो भाई मैं ऐसे ही घूमता हूँ। देखो अपना अपना रूम है भाई, अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ, चाबी मेरे पास ही रहता है। ठीक है, अब मेरा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। अब मैं सीधा यहाँ से जाऊँगा घर की तरफ, मतलब घर चला जाऊँगा। तो कल की है फ्लाइट मेरी, कल दोपहर के शायद 3:25 पे है, और 25 को व्लॉग आएगा फ्लाइट वाला, जब मैं पहुँचता हूँ दिल्ली तब। फिर आगे करेंगे मीटअप, कब करते हैं देखते हैं। और बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है आप लोगों को दिखाना, शायद आप लोग सोचोगे कि नहीं वो सरप्राइज़ हो सकता है, बट मुझे ज़रूरी है उस चीज़ की। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और कैसा लगा आपको हमारा घर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मेरी सास का तो मेरा ही ना हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे रोज़ाना फैमिली व्लॉग देखने के लिए। वैसे कोई है नहीं यार, घर में कोई फैमिली होती तो मज़ा आता। वैसे आएगी बहुत जल्द हमारे चैनल पे, हमारे सारे लोग आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।